दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित थार डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ रोचक फैक्ट के साथ ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। थार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, जिसका अपना एक महत्व है। यह मध्यकालीन शहर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। पहले यह धार नगरी के नाम से जाना जाता था। यह शहर चारों तरफ से झीलों, पहाड़ियों और हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ है। फैक्ट, धार जिला भारत के सांस्कृतिक मानचित्र में प्रारंभ से ही रहा है। लोगों ने अपने आप को ललित कला, चित्रकारी, नक्काशी, संगीत व नृत्य इत्यादि में संलिप्त रखा था। इस संपूर्ण जिले में बहुत से धार्मिक स्थल हैं। थार के प्राचीन शहर में अनेक हिंदू और मुस्लिम स्मारकों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध बाग गुफाओं में की गई चित्रकारी गुप्त काल के दौरान लोगों के समृद्ध जीवन और सांस्कृतिक की स्पष्ट झलक छोड़ती है। यहाँ भारतीय चित्रकला का अनूठा नजारा देखने को मिलता है। यहाँ की बौद्ध कला भारत ही नहीं एशिया में भी प्रसिद्ध है। फ्रेंड, ये शहर समुद्र तल से 559 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर 1857 स्वतंत्रता की लड़ाई में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, जो राजा भोज की नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। यहाँ संस्कृत विद्यालय स्थापित है, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है। इस भोजशाला की स्थापना राजा भोज ने करवाई थी। दोस्तों, इस जिले का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, तहसील के साथ साथ ब्लॉक में भी किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी होता है। दोस्तों, अगर बात करें इस जिले के क्षेत्रफल की, तो थार जिले का क्षेत्रफल 8153 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार थार की जनसंख्या 21 लाख के लगभग और थार जिले की साक्षरता 60.57% है। महिला पुरुष अनुपात यहां पर 961 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 25.33% रहा है। फ्रेंड, अगर बात करें पड़ोसी जिलों की, तो धार के उत्तर में रतलाम और उज्जैन जिला है, उत्तर पूर्व में इंदौर जिला, दक्षिण में बड़वानी जिला, पश्चिम में अलीराजपुर जिला और उत्तर पश्चिम में झाबुआ जिला है। दोस्तों, अगर बात करें इस जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो धार जिला में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे थार का किला, यह किला धार जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह एक ऐतिहासिक किला है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। किले के अंदर म्यूजियम भी देखने के लिए मिलता है। इस म्यूजियम में बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिलता है। यह किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। धार किला का निर्माण महमूद बिन तुगलक ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले में मराठा सम्राट बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। धार का किला लाल पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ हिंदू, मुगल और अफगान वास्तुकला का मिश्रण इस किले में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको खरबूजा महल और शीश महल देखने के लिए मिलता है। मांडव या मांडू के नाम से प्रसिद्ध यह जगह धार जिले का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण स्थल है। मांडू शहर को जॉय सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन इमारतें देखने के लिए मिलती है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन इमारतें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर झरने, गुफाएं, मंदिर, कब्र, संग्रहालय देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आप रूपमती मंडप, बाज बहादुर का महल, जाली महल, नीलकंठ महादेव मंदिर, हिंडोला महल, महादेव मंदिर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी और जगह यहाँ पर है, जो आप देख सकते हैं। बाघ गुफाएं, इन गुफाओं का संबंध बौद्ध मत से है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को हैरत में डाल देती है। इन गुफाओं की खोज 1818 में की गई थी। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया था और यहाँ बाघ निवास करने लगे। इसीलिए इन्हें बाघ गुफाओं के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफा के कारण ही यहाँ बसे गांव को बाघ गांव और यहाँ से बहने वाली नदी को बाघ नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पांचो पांडव आकर रहे थे। दोस्तों, इनके अलावा भी धार डिस्ट्रिक्ट में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय स्थल मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।